तोरी हमले को लेकर भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके कई आतंकवादियों को ढेर किया है। भारतीय डीजीएमओ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई। हालांकि इस हमले में कितने आतंकियों को ठिकाने लगाया गया इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। तो सेना ने सीमा पार का किया सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुसकर सेना ने आतंकी कैंपों को नष्ट किया है। 7 आतंकी कैंपों पर सेना ने हमला किया है जो लश्कर के बताए जा रहे हैं। और अब ये सूत्र बता रहे कि 38 आतंकियों को ढेर किया गया। इस दौरान भीमर के लिपा में सर्जिकल स्ट्राइक को दिया गया अंजाम। सर्जिकल स्ट्राइक में कई आतंकी और उनके मददगार ढेर हुए हैं। रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, एनएसए, डीजीएमओ इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। सेना ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को उस वक्त अंजाम दिया जब ये जानकारी भारतीय सेना को मिली कि पीओके में दरअसल कुछ आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है। त्योहारों के मद्देनजर किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। इस सूचना के मिलते ही भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। रात 12:30 बजे से शुरू हुआ ये ऑपरेशन, 4:30 बजे तक चला और इस दौरान 7 आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि 38 आतंकी इसमें ढेर हुए हैं। इसके अलावा जो आतंकियों के मददगार थे उनको भी खासा नुकसान पहुंचाया गया है। और उधर भारत की तरफ से की गई इस कार्रवाई पर पाकिस्तान ने बयान दिया, कहा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में उनके 2 जवान मारे गए हैं, 9 जख्मी हुए हैं। तो 7 आतंकी कैंपों पर यह हमला हुआ है। पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकी कैंपों को किया है नष्ट। 7 आतंकी कैंपों पर सेना का यह हमला हुआ है। तो पाकिस्तान को भारत का यह करारा जवाब। भीमर के लिपा में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। तकरीबन 2 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हुए पीओके में भारतीय कमांडोज और आतंकियों के 7 कैंपों पर हमला किया गया। रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, एनएसए, डीजीएमओ इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। बुधवार रात घुसपैठ की फिराक में थे आतंकी। डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई और उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है। आर्मी की तरफ से यह सूचना आई है जो कि इस प्रकार से जो है ऑपरेशन हुआ है और काफी डैमेज उनको मिला है, तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य है और इसने पूरे भारत वर्ष में एक बड़ा जो है एक जोश भरा है, मोराल अप हुआ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारी आर्मी का और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सब की बात है। ये तय है कि हम जो है अगर हमारी फौज ने, हमारी आर्मी ने अगर कोई फैसला किया है तो पूरा देश उनके साथ। हिंदुस्तानी फौजें फैसला करती हैं तो पूरा देश उनके पीछे। तो ये पाकिस्तान को समझाने के लिए ये हमला हुआ है और पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा आगे तो इसी तरह के हमले होते रहेंगे। ये पाकिस्तान जितने जल्दी समझ में आ जाए उतना ही ठीक होगा। बहुत अच्छी तरह से, बहुत साफ तरीके से समझना चाहिए कि भारत सुरक्षित हाथों में है और भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान हमेशा हमारे लिए प्राथमिकता रहा है, प्राथमिकता रहेगा। मोदी सरकार और पूरा के पूरा देश मजबूती के साथ, मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। तो पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। आइए आपको बताते कि कैसे हुई है सर्जिकल स्ट्राइक। हेलीकॉप्टर से पीओके के 2 किलोमीटर सीमा में उतरे कमांडोज भीमर, केल और लीपा में सेना ने यह सर्जिकल स्ट्राइक किया। रात में 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक यह ऑपरेशन चला है। इस ऑपरेशन के दौरान 7 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया। 7 आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक में 30 से 35 आतंकी मारे गए हैं।
आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी गोलीबारी की गई थी और इस गोलीबारी का भारतीय सेना ने बखूबी करारा जवाब भी दिया। आतंकियों की मदद कर रहे पाकिस्तानी सैनिक भी इस दौरान मारे गए हैं। कमांडोज को आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे। अभियान पूरा कर भारतीय सैनिक वापस लौट आए हैं। रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, एनएसए, डीजीएमओ की निगरानी में ये पूरा ऑपरेशन किया गया। तो लगातार देश की तरफ से भी आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए और उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी, रिटायर्ड मेजर रुमाना सिद्दीकी हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष की तरफ से। इसके अलावा नोएडा से हमारे साथ एमसी भंडारी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी रिटायर्ड मेजर साहब, आप इस कदम को किस तरीके से देखते हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या ऐसे ही किसी कदम की जरूरत थी जो आज किया गया? मैं समझता हूं कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने इतने अच्छे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया इतने अच्छे से जी, और उनको भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने ये फैसला लिया कि हमें ये ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि काफी समय से लोगों के मन में ऐसी भावना आ रही थी, खासतौर से सेना में, कि हम लोग जो हैं वो कैजुअल्टीज ले रहे हैं लेकिन हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे नहीं पा रहे थे। हम लोगों को एक मौके की तलाश थी जिसमें हम उनको उनकी भाषा में जवाब दें और ये कल हुआ है, तो इससे सेना का मनोबल ऊपर होगा। दूसरा, पूरे देश में एक ऐसी भावना जागी है कि भाई पाकिस्तान जो इतने टाइम से हम लोगों को गीदड़ भक्की दे रहा था जी, वो अब आगे नहीं चलेगी। अब वो उनके मन में ऐसा आ गया होगा कि इंडियन आर्मी जो है वो कुछ नहीं करती है और जो पॉलिटिशियंस हैं वो केवल चेतावनी ही देते हैं, तो अब केवल चेतावनी नहीं हुई, अब कहीं जाकर के एक कार्रवाई हुई है, तो इसका असर अब आपको देखने आगे मिलेगा जी। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जब उरी हमला हुआ उसके बाद से लगातार देश भर में ये आवाज उठी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और ऑपोजिशन की पार्टीज की तरफ से भी ये कहा गया कि सरकार जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए, अब इस कदम को किस तरीके से देखते हैं आप? गायत्री जी, जिस दिन से उरी की घटना घटी है हमारे 18 सैनिक शहीद हुए हैं, उस दिन से पूरे देश की आवाम बहुत ज्यादा इससे अपने को कनेक्ट की हुई थी। लोग दुखी थे, लोग पाकिस्तान के हरकत से बहुत ज्यादा दुखी थे और ये चाहते थे कि हमारे देश की सेना, हमारे देश की जो जवान है, जो इतना सख्त हमारी देश की आर्मी है, उसको माकूल जवाब दिया जाए। निश्चित तौर पे जो हमारे आर्मी के लोगों ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों ने, हमारे एनएसजी ने, हमारे डीजीएमओ ने जो कार्रवाई किया है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान कभी भी आतंकवाद से झुका नहीं है, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि उसकी हरकतों को अब किसी भी तरीके से हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको इसका सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा और आने वाले समय में भी ये तो सुधरता नहीं है तो उसको जो है इसका बहुत बड़ा इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और वो फिर उसकी हालात वो हो जाएगा जो 71 में जो लड़ाई हुई थी तो उसको नेस्तनाबूत कर दिया गया था, वही हाल हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की सरकार करने वाली है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं अपने जवानों को, अपने सेना के अधिकारियों को जी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की रुमाना सिद्दीकी भी हमारे साथ है। रुमाना जी, उरी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में एक माहौल बना कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, उसको कड़ा सबक दिया जाए। ऑपोजिशन की तरफ से भी सरकार पर लगातार ये दबाव देखने को मिल रहा था, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि हाँ हम कड़ा कदम उठाएंगे लेकिन बताकर नहीं उठाएंगे, अब ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। वैसे तो सबसे पहले आर्मी को बधाई है जी और
अपने जो देश चला रहे हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी मैं इस निर्णय को लेते हुए उसको बधाई दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया जिससे कि पाकिस्तान को एक बार मुंह तोड़ जवाब मिला है, जैसे अभी मेजर साहब ने भी कहा। और आज मुझे एक और बड़ी खुशी हुई कि मैं कई जगह डिबेट पे बैठती हूँ तो मुझे कांग्रेस के तरफ से यही कहा गया कि जो है उरी में इतना बड़ा कांड हुआ है और उसके बाद सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाया। आज सुरेंद्र जी ने भी इस चीज की बधाई दी कि हमारे यहाँ से ये कदम उठाया गया। ये चीज जो है इस चीज को बहुत पहले ही उठाना चाहिए था ये कदम, जिससे कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो हिंदुस्तान में घुस के इस तरह जो है लोगों को परेशान करते। और हमारे उरी में 18 जो शहीद हुए हैं उनको ये दिन देखना होता, उनके परिवार को, कि जो है उनके अपने घर वाले उनसे बिछड़ गए हैं और घर बेघर हो चुके हैं बिचारे। आपने एक बात कही कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। रिटायर्ड मेजर साहब आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। अब आशीष जी, एक सवाल यहाँ रोमाना जी उठा रही हैं कि ये कड़ा कदम पहले उठाया जाना चाहिए था। हम अगर देखें पहले की सरकारों को, अगर देखें 26/11 का भी हमला हुआ और पाकिस्तान की तरफ से तो लगातार सबूत देने के बावजूद उन तमाम सबूतों को नाकाफी बताया जाता रहा। आग उगलना पाकिस्तान के आदत में पहले से शुमार रहा है। आपको लगता है कि ये कदम जो आज उठाया गया चेतावनी देने के लिए पाकिस्तान को, क्या ये कदम पहले उठता तो शायद दोनों देशों के बीच रिश्ते और हालात कुछ और होते? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये फैसला जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने लिया है, अगर ये पहले लिया गया होता तो शायद जो ये उरी में जो हमला हुआ ये शायद हमला होता ही नहीं, ये स्थिति बनती ही नहीं। तो हाँ, हम कई जाने बचा सकते थे और ये सख्त संदेश जो हमने अब दिया है ये अगर हम पहले दे देते तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान जो है वो इतना आगे जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जो ISI दे रही है, उसको वो करने से पहले हिचकिचाहट उनके मन में होती कि हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जवाबी कार्रवाई होगी जिसमें हमें नुकसान हो सकता है। अभी कई सालों से पाकिस्तान की जो आर्मी है और ISI जो आतंकवाद को मॉनिटर करते हैं, ट्रेन करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं, उनके मन में ये चीज आ गई थी कि हम जो करते रहेंगे और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आर्मी को ये छूट देगी ही नहीं कि वो LOC पार करे। तो जब उनके मन में ये जो निश्चिंता थी कि हाँ आगे LOC पार होगी नहीं तो हम करते रहे जो भी है, तो इस वजह से जो है ये चीज इतना आगे बढ़ी है। अब लेकिन फिर भी अभी जो स्ट्राइक है ये ये छोटी सर्जिकल स्ट्राइक है, इससे एक संदेश जरूर गया है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ऐसी चीजों की जरूरत और भी पड़ेगी, इससे पहले कि हमें ऐसा समय आए कि आतंकवाद जो है उस पे कुछ विराम लगे। कड़ा संदेश देने की हमारी तरफ से कोशिश, लेकिन क्या पाकिस्तान इसे कड़े संदेश के रूप में लेगा ये भी आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, एक सवाल रोमाना जी ने उठाया कि ये कदम अगर पहले उठाया जाता, जिसका समर्थन मेजर साहब ने भी किया, उन्होंने भी कहा है कि हाँ पहले उठाया जाता तो शायद हालात आज कुछ और होते, तो क्या आज जिस तरीके की इच्छा शक्ति दिखाई गई है, क्या पहले की जो सरकारें थी उन्होंने अब आतंकवाद को गंभीरता से नहीं लिया या इच्छा शक्ति की कमी थी, किस तरीके से देखते हैं? गायत्री जी, निश्चित तौर पे जब पठानकोट पे हमला हुआ था और बहुत सारे सैनिक हमारे, देवेंद्र जी आपके पास हम लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, अटारी बाघा बॉर्डर पर आज ड्रिल नहीं होगी, बीटिंग रिट्रीट को रद्द कर दिया गया है, लोगों को अटारी बॉर्डर पर ना जाने की हिदायत दी गई है। देवेंद्र जी कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर ये देश से, सरकार द्वारा देश से लिया गया कदम है। जब पठानकोट पे हमला हुआ था और बहुत सारे सैनिक इसी तरीके से मारे गए थे, यदि ये संदेश उसी समय दिया जाता और सरकार की तरफ से देश से लिया गया कदम और उसी समय घटना यदि सेना द्वारा कार्रवाई किया जाता, नहीं आपकी बात नहीं समझे आपकी बात नहीं समझे। मेरा सवाल ये था कि आज आतंकवाद को लेकर जो कदम उठाया गया, जिसका स्वागत हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, क्या ये कदम पहले नहीं उठाया जाना चाहिए था? निश्चित तौर पे जब पठानकोट पे हमला हुआ था गायत्री जी, उसी समय उठाया जाना चाहिए था। 26/11 का भी हमला हुआ, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत जरूर रही, लेकिन रिश्ते वो नहीं रहे जो होने चाहिए थे। निश्चित तौर पे पाकिस्तान के आर्मी द्वारा, उसके ISI द्वारा कई बार हिंदुस्तान पे हमला हुआ है, लेकिन तो ये दुर्भाग्य है कि जैसे कि 26/11 का हमला हुआ, हमारे
जो है संसद पे हमला हुआ, हमारे अच्छा धाम पे हमला हुआ, बहुत जगह हमला हुआ है। जो अभी इसी कुछ ही दिन पहले की बात मैं कहता हूँ, जब पठानकोट पे हमला हुआ था, सेना सरकार निर्णय ले लेती और इस और उनको माकूल जवाब दे दिया जाता पाकिस्तान को, उनके आतंकवादियों को, उनकी सेना, उनके ISI के, उनके एजेंटों को, तो शायद आज उरी में 18 सैनिक नहीं मारे गए होते, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं, तब भी होना चाहिए था, लेकिन हम उससे पहले की भी बात कर रहे हैं, हम उससे पहले की भी बात कर रहे हैं। मेजर साहब, आप जरा इसे पूरी तरह से एलाबोरेट करने की कोशिश कीजिए। हाँ नहीं, देखिए, हो सकता है कि वो सिर्फ इसे जो पठानकोट अटैक है उससे पहले ले जा रहे हैं। मेरे ख्याल है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहली गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की सरकार या यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब ये, क्योंकि आतंकवाद जो है वो 1990 से कश्मीर में है, 1990 से शुरू हुआ हुआ है ये, तो आज मानिए 26 साल हो चुके हैं, तो इतना समय जो है सरकारें निकाल चुकी हैं और अब जाकर के ये फैसला लिया गया है, तो ये बहुत देर है, ये महीनों की देर नहीं, मैं मानता हूँ सालों की देर है ये। रोमाना जी, आप कुछ कह रही थी? मैं यही कह रही कि जो है ये अभी की बात कर रहे हैं, इनको 2 साल का दिख रहा है, 2 साल से पहले की चीजें कुछ नहीं दिखाई दे रही है, वो एकदम ब्लैंक हो गए हैं। वो यही समझाना चाह रहे हैं कि खाली पठानकोट में ही जो हुआ, उसके पहले 26/11 अक्षरधाम इन्होंने खुद सब गिनवा दिया, उस पर कोई नहीं, मतलब कि कांग्रेस सरकार थी उसको नहीं कुछ करना चाहिए था, उन्होंने अगर पहले से ही कड़े स्टेप उठाए होते तो आज दिन तक हम लोगों को ये दिन देखने नहीं पड़ता कि किसी को फिर और आगे अपने प्रियों को मतलब अपने से जुदा होना पड़ता। देवेन जी, हम यही समझने की कोशिश करें, क्या पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी जो इस तरह के कड़े कदम नहीं उठाए गए? मेजर साहब ने भी बताया कि कश्मीर में तो आतंक बहुत पहले से है, लगातार वहां पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ करते रहते हैं, सेना के कैंपों पर हमले होते रहे हैं, उसको लेकर क्या जो पहले की सरकारें थी, क्या उनकी तरफ से ये कदम पहले नहीं उठाया जाना चाहिए था, या फिर इच्छा शक्ति नहीं थी? गायत्री जी, ये हिंदुस्तान के संप्रभुता से, हिंदुस्तान के सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। मैं बिल्कुल यहाँ पे आज सेना का जो मनोबल बढ़ा, जो सेना जो काम किया है, मैं बिल्कुल यहाँ राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन रूबाना जी जिस ओर ले जाना चाहती है पहले की सरकारें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कभी भी आतंकवाद से समझौता नहीं किया है। 2004 से 2014 तक हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, इतना सख्त कदम उठाया कि उन्होंने 10 साल में बहुत सारे साग सम्मेलन हुए, बहुत सारे बुलावा है, बहुत सारे राजनीतिक और कूटनीतिक मीटिंग हुई। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान जाने का काम नहीं किया है। आज के प्रधानमंत्री जी जब बिन बुलाए वहां पे जाकर के बिरयानी खाने का काम किया और वहां बिन बुलाए जाके मेहमान बने, निश्चित तौर पर वहीं पे जो है पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनको जो है गलत संदेश गया और ये कूटनीतिक रूप से हार हुई थी हिंदुस्तान की, और वहीं से जो है ये लग रहा था कि जो है जिस तरीके से अभी UNO में जो है बात उठती है, तो हम ये कहना चाहता हूँ कि ये सेना ने जो कार्रवाई किया है निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है, और इस देश की एकता अखंडता पे कोई भी दल राजनीति नहीं करना चाहता है, सारे विपक्षी दल सरकार के साथ हैं, सरकार सख्त से कदम उठाए हम उसका स्वागत करेंगे। और आज जो सेना ने कार्रवाई किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। वहां क्यों गए थे प्रधानमंत्री मोदी, क्यों इस तरह का व्यवहार किया गया, शेयर की बात आप कर रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, जो बातें कह रहे हैं, जो कारण गिना रहे हैं पाकिस्तान को शह देने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह, क्या वैसा ही है? जी गायत्री जी, आशीष जी जी, जो बातें देवेंद्र जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को शह मिली, हमारी तरफ से दोस्ती का जब कदम बढ़ाया गया तो पाकिस्तान ने सोचा कि जो मर्जी करो, ये कमजोरी देखिए वो उसमें उसके राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, पर मसला वो नहीं है कि वो गए और क्या खाके आए, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि अभी भी जैसे ये तो एक मिलिट्री स्ट्राइक की गई, अभी भी कुछ कदम हैं जो केंद्र की सरकार को उठाने चाहिए। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको क्यों नहीं जो मौजूदा सरकार है वो खत्म कर देती है, हम क्यों पानी दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान को पानी देना चाहिए हमें, हम क्यों नहीं उसको खत्म कर रहे हैं? मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है अभी भी हम नहीं हटा रहे हैं, वो हटा सकते हैं हम,
तो और यूएन में अभी तक मैंने सुषमा स्वराज के भाषण में कुछ ऐसा नहीं सुना कि उन्हें डिमांड करी हो कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए। तो एक मिलिट्री स्ट्राइक तो आपने करवा दी, लेकिन वो इस समस्या का एक एक छोटा सा पहलू है। आज जो केंद्र की सरकार है, चाहे वो आज भाजपा की हो, कल कांग्रेस की होती है या किसी की भी होती है, मेरा ऐसा मानना है कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, जैसे आप अगर आप वाकई ये दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को वो कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो अपनी तरफ से आप उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसे हटा दीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दीजिए और यूएन में डिमांड करिए कि ये इसको टेररिस्ट नेशन घोषित किया जाए। ऐसे स्टेप भी मैं समझता हूँ इस देश की जो जनता है वो देखना चाहेगी और सुनना चाहेगी। मेजर साहब, एक रिएक्शन आपका, पंजाब में सीमा पर जो स्कूल है उनको बंद करने का फैसला लिया गया है 10 किलोमीटर के दायरे में जो आते हैं। इसके अलावा बीटिंग रिट्रीट को आज के लिए रद्द कर दिया गया है। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या रिएक्शन का पाकिस्तान की तरफ से इस हमले के रिएक्शन का भी खतरा भी बना हुआ है? देखिए, रिएक्शन तो क्योंकि मैं खुद एलओसी पे रहा हूँ, वहाँ जो फायरिंग है वो एक आम चीज है, हम उन पे गोलियां चलाते हैं, वो हम पे गोलियां चलाते हैं, ये चीज तो वहाँ होती रहती है। हाँ, एहतियातन की कोई घटना ना घटे, ये मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रिकॉशन के तौर पर इसको ले रहा होगा कि ऐसा ना हो कि किसी आतंकवादी घटना को जैसे कहीं कोई बम लगा दिया या वो हो गया जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं या बच्चों के उस पे, क्योंकि ये लोग काफी कायराना हरकतें पहले भी करते आए हैं, तो हो सकता है कि कहीं स्कूल में या कुछ ऐसा कर दें और फिर उसे अपनी एक बदले की जीत दिखाने की कोशिश करें। मेजर साहब, आपने बताया कि कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, एक चेतावनी के तौर पर आप इसे देख रहे हैं, इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को। आपने ये भी कहा कि कुछ और चीजें उठाए जाने की जरूरत है, कुछ और कदम उठने चाहिए जी। क्या पाकिस्तान इसको एक चेतावनी के तौर पर ले रहा है, क्या अभी ये जो ऑपरेशन किया गया है? नहीं, बिल्कुल उसको, क्योंकि पाकिस्तान को मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान और शायद कुछ हमारे अंदर भी ये चीज आ ही गई थी कि पाकिस्तान जो है वो सालों साल ये टेररिस्ट भेजेगा, बदले में सरकार जो है वो चेतावनी देगी और बस, दो दिन ये चीज न्यूज में रहेगी और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे और फिर कुछ दिन बाद जब ये होगा तो फिर यही प्रक्रिया दोहरे आई जाएगी। कभी भी ये नहीं सोचा था किसी ने कि इंडियन आर्मी को ये परमिशन मिलेगी कि जा करके वो अंदर स्ट्राइक करे और इस चीज को पब्लिकली एडमिट किया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर और करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमने अब इतने सालों में कभी पाकिस्तान की पोस्ट पे हमला नहीं किया है या कभी हमने जाके वहां मारा नहीं है। ये चीज खुद मैं अपने एक्सपीरियंस से अब रिटायर होने के बाद आपसे कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं किया गया, ये किया गया है। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि इस बार सरकार की स्वीकृति को पब्लिक किया गया है कि हाँ, ऐसा करने की रजामंदी दी गई है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, आगे भी हमारे डिस्कशन जारी रहेगा, आप देखते रहिए समाचार प्लस। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, पाकिस्तानी सीमा में घुसकर भारतीय कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें 35 से 40 आतंकियों के ढेर होने की खबर है और भारतीय सेना इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वापस लौट आई है। तो भारत की तरफ से एक कड़ा चेतावनी, एक कड़ी धमकी पाकिस्तान को, लेकिन क्या पाकिस्तान इसे कड़ी चेतावनी के तौर पर ले रहा है या फिर कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। मेजर साहब, आपने कहा कि कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, हम रोमाना जी के पास जाएंगे। रोमाना जी, आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि ये कड़ी चेतावनी के तौर पर कदम जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा पाकिस्तान को लेकर। देखिए, कोई भी चीज करने के लिए पहले कुछ स्टार्ट करना होता। ठीक है मेजर साहब, आपने बात रखी कि ये भी स्टेप्स हैं, इनको उठाने चाहिए, पर जो पहला स्टेप है, एक तो स्टेप उठाया गया है, हो सकता है इन फ्यूचर में जो भी होगा वो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे। पहल तो हुई है, सबसे बड़ी बात है पहल हुई है, जो एक जनता के बीच में जो एक मैसेज गया, प्लस जो एक लोगों को अपनी सिक्योरिटी लगी, जो लोगों के बीच में हो गया था कि जो है सरकार कुछ कर नहीं रही है, उससे उनको हुआ। अब मैं सल्यूट करती हूँ सैनिकों को जो उन्होंने ये काम किया है, तो इसलिए ये बात है जरूरी कि और भी स्टेप्स उठाने चाहिए और हो सकता है कि वो भी धीरे धीरे होंगे। अभी तो सार्क में जाने के लिए हुआ है, म्यांमार में जो हुआ उसके लिए भी है, तो मतलब धीरे धीरे जो भी है एक स्टेप उठेगा। अंदर सर्जिकल ये हुआ है, अभी आगे भी होगा।
मेजर साहब को भी शायद मेरे ख्याल में उम्मीद होगी कि अगर गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है तो इन फ्यूचर दे विल सी फॉर मोर। देवेंद्र जी, ये एक कड़ा कदम है, वाकई इसकी हर कोई सराहना कर रहा है। अगर इस कदम को हम अगर साइड में रख दें, उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा एक्शन होता है पाकिस्तान की तरफ से, कोई बड़ा हमला होता है या कुछ आग उगली जाती है, उसके बाद बैठकों का दौर चलता है, एक माहौल बनता है देश के अंदर, फिर आवाज उठती है, उसके बाद सरकारें बैठती हैं, तमाम रणनीतियों पर विचार करती है। लेकिन इसके अलावा भी ये कदम उठा, रोमाना जी कह रही है ये एक पहल है, क्या ये एक सकारात्मक पहल है, यानी आगे के विकल्पों की ओर भी सरकार सकारात्मक तौर पर बढ़ेगी आगे, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए गायत्री जी, निश्चित तौर पे ये पहल स्वागत योग्य है, लेकिन जिस तरीके से मेजर आशीष साहब ने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये भी बहुत छोटा सर्जिकल स्ट्राइक है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरान हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, उनके ऊपर इससे और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इस तरीके से देश में कोई समस्या आती है, कोई घटना होती है, देश के ऊपर कोई इस तरीके से सैनिकों के कैंपों पे अटैक करता है, सोते हुए सैनिकों को मारने का काम, जलाने का काम किया गया है, तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की जो सरकार को सर्वदलीय मीटिंग बुला करके उस पर बात रखनी चाहिए। कांग्रेस पहले दिन से ही ये कह रही है कि सरकार इस पे कड़ा कदम उठावे, विपक्ष उनके साथ में है, कांग्रेस उनके साथ में है, हमारे सारे नेता और देश का सारे आम नागरिक जिस दिन से ये घटना हुई है वो इस आशा में था, पूरे देश के लोगों की भावनाएं थी कि सेना के द्वारा, सरकार के द्वारा पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जाए। निश्चित तौर पर जो संदेश आज देने का काम किया गया है यह स्वागत योग्य है, जो इससे भी कड़ा संदेश देने की जरूरत है। आशीष जी, आपने तो बताया कि आप जिस तरीके से आप भी बॉर्डर पर तैनात रहे, आपने ये भी कहा कि जो ऑपरेशन हुआ है अब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सेना ने दुश्मन की जमीन पर उतरकर वहां पर हमलों को अंजाम दिया, इस तरह के ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन इस बार सरकार की स्वीकृति को उजागर किया गया, क्या ये भी खास रणनीति के तहत हुआ है? देखिए, अब जो म्यांमार वाला जो अटैक था उसको भी पब्लिकली बताया गया, तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है अगले साल आने वाले हैं, यानी राजनीतिक रणनीति हो सकती है, ये हो भी सकती है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है उसमें करीब हम लोगों की आबादी 4 लाख की है, 4 लाख, मतलब भूतपूर्व सैनिक संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बता दूं कि 4 लाख कुछ हमारी आबादी है, तो बहुत बड़ा हमारा एक जो तबका है वो, मतलब देश में सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम लोग करीब 4 लाख हैं, तो उनका प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हाँ, इतने बड़े तबके को एक साथ में लेने और जो पब्लिक सेंटिमेंट जिसे हम कहते हैं कि बहुत बन गया था कि कुछ होना चाहिए, हो सकता है कि वो हो, लेकिन हाँ, उस चीज को हमें उस चीज से जोड़ना नहीं चाहिए जो उनने स्वीकृति दी है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छी चीज है, और उससे भी अच्छा है डीजीएमओ का इस चीज को प्लान करना, अंदर जाना, उन चीजों, उनके टेररिस्ट कैंप्स पे हमला करना और सुरक्षित वापस आना, हमने कोई कैजुअल्टी नहीं उठाई, क्योंकि बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन है, एलओसी पार करके एक हेलीकॉप्टर जाता है, वहां लोग जाते हैं। म्यांमार वाला ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में किस तरीके से इन दोनों ही ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि म्यांमार की अगर बात की जाए तो वहां हमें सरकार का सपोर्ट था, लेकिन यहाँ हालात बिल्कुल अलग थे, ये कितना मुश्किल रहा होगा? यहाँ पे ज्यादा मुश्किल है, हाँ। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान जो है, क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो टेररिस्ट कैंप्स को सपोर्ट कर रही है, एक हाँ। सपोर्ट क्या कर रही है, एक तरीके से चला ही वही रहे, तो ऑब्वियसली वहां पे एक हेलीकॉप्टर को अंदर ले जाना बहुत बड़ा रिस्क है। आप 2 किलोमीटर अंदर एक हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं, क्योंकि उसको आप वो लो फ्लाइंग में ले जाना है, क्योंकि वरना वो रडार पे डिडक्ट हो जाएगा, उसको लो फ्लाइंग में ले जाने का मतलब है कि वो जो शॉर्ट जो रेंज वेपन होते हैं जैसे राइफल या इसमें, उसकी रेंज में है, कोई भी देख लेगा उसे उड़ते हुए तो वो गोली भी मारेगा तो वो गिरना ही है, मरना है सबने, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और जिसको बहुत खूबसूरती से प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया है कि 4 घंटे तक
इतने लोग, मैं तो नहीं जानता कि उस ऑपरेशन में कितने लोग इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन नफरी बहुत ज्यादा नहीं रही होगी। इतने कम लोग इतना अंदर पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, सब कुछ करते हैं और वापस आ जाते हैं, तो ये बधाई देनी पड़ेगी आई थिंक इंडियन आर्मी को कि जिसने इतना बढ़िया ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। आशीष जी, सेना में पहले से ही साहस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेना की इच्छा शक्ति भी रही है, लेकिन क्या पॉलिटिकल जो इच्छा शक्ति रही उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अब तक हमें खामियाजा भुगतना पड़ा? ये तो बिल्कुल सही है, इसमें मैं किसी भी पार्टी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सालों से जो इंडियन गवर्नमेंट रही है, जो भी जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, उसने थोड़ा सा ये चाहा है कि जो सेना है वो मतलब इतना खुल के सामने ना आए या उसको उतनी आजादी ना मिले ऐसा। और सिर्फ मुझे लगता है, सिर्फ मेरा ही ऐसा मानना नहीं, अगर आप आम पब्लिक से भी पूछेंगे तो लोगों के मन में ये है कि उनको उतनी आजादी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। मतलब वो चाहते हैं कि जब वो चाहें तो वो एकदम से शेर बन जाए जब ऐसी कोई स्थिति आए, और बाकी टाइम वो जो है वो एक पालतू उसकी तरह बन जाए कि हाँ वो चुपचाप एक कोने में बैठे हुए, तो ऐसे होता नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र जी, क्या ये इच्छा शक्ति सरकारों की तरफ से पहले नहीं दिखाई गई, क्योंकि सेना को शायद पहले भी छूट मिलती, और हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से तो ये बार बार दावा किया जाता रहा है कि एक बार छूट दे दो उसके बाद हम दुश्मनों को नेस्तोनाबूद कर देंगे। जी देखिए गायत्री जी, बार बार वही प्रश्न आ रहा है, पुरानी सरकारें नहीं, वो सरकार किसी की भी रही हो, किसी की भी रही हो, सिंधु जल संधि की भी अगर हम बात करें, आज उसको रिव्यू करने पर विचार हो रहा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया, उसको लेकर अब विकल्प तलाशे जा रहे हैं, हिंदुस्तान एक पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर विकल्प तलाशे जा रहे हैं, तो विकल्प तो आज ही तलाशे जा रहे हैं ना, इसलिए सवाल तो उठेगा पुरानी सरकारों पर। गायत्री जी, हिंदुस्तान दुनिया का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है जी, हम गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं, हम सर्वधर्म संभाव के लोग हैं, हम इस देश की आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक अहिंसा परमो धर्मो का एक जो हमारा सूत्र था उस पे हमने देश की आजादी पाई। किसी भी समस्या का निदान युद्ध नहीं होता है। यदि हम इतिहास में आपको ले चलें, चाहे अशोक सम्राट अशोक रहे हों, चाहे और कई सारे ऐसे हमारे उदाहरण हैं, जो कहा गया है कि हिंसा, यदि हिंसा करने के संघर्ष करने के बाद भी कोई जीत मिलती है तो वो जीत लहूलुहान होती है, उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा आपके समाचार प्लस के माध्यम से देश के लोगों को, हिंसा, ये जो बॉर्डर पर तैनात सैनिक है दिन रात हमारी रक्षा में तैनात रहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है जी, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं होता जी, है वो भी तो पहले, देश का हिस्सा है, सबसे पहले हमें जब सीमा पार से गोलियां चलती हैं तब हिंसा ना हो, लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, देवेंद्र जी सरकार के एक सबक तो देना होगा ना, बिल्कुल सबक देना होगा, और जब जब जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान की सरकार ने सबक दिया है, और हमने सबक देने का काम किया 1971 में, और इनको नेस्तनाबूद कर दिया गया था, लेकिन तो लड़ाई तुरंत की छोटी छोटी बात पर नहीं होनी चाहिए, कूटनीतिक संघर्ष होना चाहिए, कूटनीति से, और कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के द्वारा जो किए गए आतंकी घटनाएं रही है देश में जी, उनको हमेशा कंडम किया है, उनका माकूल जवाब दिया है, ठीक है, और जी, क्या ये सबसे ज्यादा आतंकवाद का, सबसे ज्यादा आतंकवाद का दंड झेला है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने झेला है, हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खोया है, हमने इंदिरा गांधी जी को खोया है इसी आतंकवाद पे, हमने राजीव गांधी जी को खोया है, और दूसरे लोगों ने, किसी ने आतंकवाद महात्मा वाली बातें बता रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मौन व्रत कांग्रेस कभी आतंकवाद से किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जाता है, करेगी, और सेना ने जो आज कार्रवाई किया है इसका मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है देवेंद्र जी, होते रहे, उनको ये लग रहा है कि हम लोग इनकी जो सरकार थी उसमें जो है ये करा जाए कि
एकदम संत वाला काम कर ले, मुंह पे पट्टी बांध ले, जैन धर्म वाली बातें जैसे होती हैं वो चीज समझा रहे हैं ये। तो इसलिए इससे जो है हम मानते हैं कि हम वो वाला काम करेंगे, पर उससे क्या हमारे सैनिक या हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं क्या वो सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए देवेंद्र जी, एक बार कंप्लीट करने दीजिए हमको, देवेंद्र जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। पाकिस्तान वालों को क्या ये चीज से क्या सबक मिल जाएगा कि हम उनपे हिंसा ना करें? क्या हमारे ऊपर वो वहां से गोलियां नहीं चलाएंगे? क्या हमारे सैनिक शहीद नहीं होंगे? जो हमारी वहां LOC पे जनता रहती है वहां पे लोग शहीद नहीं होते? वहां पे वो बेचारे खत्म नहीं होते? तो ये वाली बातें तो एकदम जैसे कि मतलब एकदम व्यर्थ बातें कर रहे हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। हमें जरूर ये है कि हम बिना किसी कारण उन पे अटैक ना करें। हमें जब तक कि अगर कोई काम नहीं है हम ना जाके गोली चलाए, ना हमारे जहाज वहां जाए, पर हाँ अभी तक इतना हो जाना चाहिए था कि हमारे जो लोग शहीद हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए थे। ये काम बहुत पहले ही हो जाना था कि आज हमारा देश सुख और चैन से चलना चाहिए था, ना कि हम लोग अपने देश को चलाने के बजाय आज हम अपने शहीदों को सैनिकों को शहीद कर रहे हैं और इतने परिवार जो है उनके बिना हो रहा है। इसलिए ये चीज जो है बेकार की बातें देवेंद्र जी कह रहे हैं। गायत्री जी, ये हमारे ऊपर कहा जाता है कि कांग्रेस ने 60 साल देश की सरकार चलाई है। यदि देखा जाए कि 60 साल में देश में कितनी आतंकी घटनाएं घटी हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 6-7-8 सालों के सरकार में देश में कितनी आतंकी घटनाएं घटी हैं। आशीष जी ने सही बात कहा था कि हो सकता है कि अभी जो है 2017 में 5 राज्यों में चुनाव है, जिस तरीके से म्यांमार में सेना की एक इंटेलिजेंस होता है, सेना की एक इंटेलिजेंसिया होती है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा हमें कि आज के साथ सरकार कहीं इस लड़ाई का कोई राजनीतिक फायदा ना उठा पाए, ये हमें आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर होता आया है कि जब कहीं सरकार चुनाव होता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत जगह पे कहीं हिंदू मुस्लिम ला करके जो है अपना राजनीतिक फायदा उठाते हैं, ये ना हो पावे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आशीष जी ने भी कुछ सही कहा था कि जिस तरीके से म्यांमार हिंदुस्तान पे क्या अटैक कर रहा, उनको चुनाव उरी में जब घटना घटी उसके 4 दिन बाद ये भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के जो मीटिंग में केरल में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो संदेश देने का काम किया था, वो कौन सा संदेश था कि पाकिस्तान की गरीबी दूर हो, हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो, वहां के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। अभी जिस तरीके से UN में सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री ने कौन सा सख्त संदेश देने का काम किया था, हमें ये रुखसारा जी बताएं। तो कहीं ना कहीं जो आशीष जी ने कहा है कि कहीं इसका राजनीतिक लाभ ना लेने की बात हो म्यांमार में, और यहाँ पे जो घटना घटी है इसको पहले से गाने की क्या जरूरत थी? लोगों की कहीं भावनाओं को जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग का काम नहीं किया जा रहा है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब कि कुछ नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए कि आके हिंदुस्तान को मतलब नेस्तनाबूद करा जाए, जिस दिन से आतंकवाद फैलता चला जाए, यहाँ के लोग शहीद होते चले जाए। गायत्री जी क्या बात करते हैं, एक साल पहले जिस तरीके से वहाँ पठानकोट पे सैनिकों पे हमला हुआ था, उसी समय इस तरीके से जो है सेना का द्वारा और सरकार ने निर्णय लिया होता या वहाँ पे जो है पाकिस्तान पे अटैक किया होता तो शायद आज 18 शहीद हमें जो है हमें 18 लोगों को हमें शहीद न देखना पड़ता। भी अगर निर्णय लिया होता कांग्रेस ने तो आज ये दिन हम लोगों को नहीं देखना होता। जी आशीष जी, आप इसे किस तरीके से देखेंगे, इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या ये दुर्भाग्य भी है देश का कि जब देश को लेकर कोई फैसला होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इस तरीके से खींचतान करती हैं कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती हुई नजर आती है? हाँ, मुझे ऐसा थोड़ा सा ये जरूर, और मुझे और मेरे ख्याल से हमारे सारे दर्शकों को ऐसा जरूर लगता होगा। कभी भी अगर आप लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी को देख लें तो आपको बहुत हैरानी होती होगी कि ये किस तरीके के लोग हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बन के आए हैं और मिनिस्टर्स हैं, और किस भाषा और किस लहजे में वहां बात करते हैं। और इसी के अगर आप कंपैरिजन कर लें अगर किसी और देश का जो पार्लियामेंट दिखाया जाता है, जैसे कभी अगर आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए,
उनका तो मैंने कभी देखा नहीं इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू आया था प्राइवेट चैनल पर नवाज शरीफ को लेकर, नवाज शरीफ को लेकर उन्होंने भी पूरी इच्छा शक्ति जताई थी, पूरा भरोसा दिखाया था, वहां पर भी राजनीति हो सकती थी, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है वो देश के मसले पर हमेशा एक रही है। हाँ, थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीतिक स्तर पे थोड़ा सा ऊपर उठकर आने की जरूरत है ऐसे विषयों पर जो देश के या देश की सुरक्षा से जुड़े हों। यहाँ पे मैंने आमतौर पे ऐसा महसूस किया है कि अगर कोई एक पार्टी अच्छा भी कर रही है तो दूसरी पार्टी उसे जो है वो अच्छा मानने से पता नहीं क्यों इनकार करती है, अक्सर ऐसा ही देखा गया, अक्सर चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। जरूरत है जो ऐसे जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं, जो कुछ ऐसे जिन पे बहुत संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ऐसे मुद्दों पर जो है राजनीतिक पार्टियों को अपने स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। आशीष जी, आपने कहा कि कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह के वो कदम हो जो अब आगे उठने चाहिए ताकि और कड़ा संदेश जाए पाकिस्तान को? और एक सवाल ये भी कि क्या इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान इस कड़े संदेश को लेगा? देखिए, जो नवाज शरीफ को, जैसा आपका जो दूसरा पहला जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ, जो नवाज शरीफ से अभी कुछ लोगों ने, मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उनका चेहरा भी वो उस तो बता रहा था कि उनके पास कोई उसका जवाब नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज में नीचे पढ़ रहा था कि उन्होंने इस पूरी सर्जिकल स्ट्राइक को ही खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और केवल दो लोग जो है उनके क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मारे गए हैं। तो जाहिर सी बात है उनको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की चीज जो है वो होगी। तो वो लोग बहुत इस तरीके से, मतलब उनको ये तो लगा है कि हाँ अगर आगे वो कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन अब उनकी तरफ से मान लिया गया, उनकी तरफ से अब मान लिया गया है कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है भारतीय सेना की तरफ से और वो इसका सख्ती से जवाब भी देंगे, ये बयान हो सकते हैं कि वो, हाँ वो, हाँ अब वो क्या जवाब देते हैं, कब देते हैं, वो तो वो लोग देखना होगा। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था कि कौन से कदम। हाँ, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है हम क्यों नहीं उसे हटा रहे हैं। मैंने न्यूज में सुना था कि गवर्नमेंट ने इस पे विचार किया लेकिन कोई नतीजा नहीं है। दूसरा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को, पानी को हम क्यों पाकिस्तान को देने, उसको रोकना चाहिए, उस पे भी सरकार ने मीटिंग की लेकिन कोई फैसला नहीं लिया है उस पे। मीटिंग हुई ये मैंने न्यूज में सुना था। ये था कि जो अलगाववादी नेता कश्मीर में हैं उनको अभी भी जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। मुझे बहुत हंसी आती है इस बात पे कि कौन सी सरकार, जो पाकिस्तान का यहाँ पे मंजीरा बजा रहे हैं आप उनको सुरक्षा दे रहे, किस बात के लिए सुरक्षा दे रखी, चाहे वहां की स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अभी की हो या पहले की हो, क्यों नहीं हटा रहे उनको? ये इन लोगों को जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, पत्थर फिकवा रहे हैं वहां, उनको हमने सुरक्षा दे रखी, तो ये क्या मजाक नहीं है क्या है ये जी? तो उनकी सुरक्षा हटाई जानी चाहिए। अच्छा, एक चीज जो अभी अच्छी हुई है कि जो सार्क सम्मेलन हो रहा था उसमें क्योंकि भूटान और बांग्लादेश ने जो है वो अफगानिस्तान ने भी हिंदुस्तान साथ दिया है और अब मैंने सुना था शायद अभी रद्द ही हो गया है वो। तो इस तरीके के प्रयास कुछ इस जो डिप्लोमेटिक इसके अलावा सुषमा स्वराज की तरफ से जिस तरीके से ये कहा गया कि अलग थलग किया जाए, हाँ वो एक अच्छा प्रयास, उस प्रयास में केवल भाषण ना रह जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कही गई बातें वो हो, वो केवल भाषण ना रह जाए कि कहा हमारे यहाँ, ये मैंने बहुत मैं न्यूज चैनल पे मैंने देखा है कि लोग हीरो बन जाते हैं कि उनने ऐसा भाषण दे दिया। अरे भाषण से क्या होने वाला, आगे आप कुछ जब कुछ होगा तभी तो मानेंगे कि हाँ आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन हटाया, आपने पानी को रोका, ये वो स्टेप्स हैं, आप उनकी एम्बेसी बंद कर दीजिए। जी देवेंद्र जी, कई चीजें कई स्टेप्स गिनाए हैं आशीष जी ने, चाहे अब टेरर स्टेट घोषित करने की बात हो पाकिस्तान को, उस पर से भाषणबाजी ना हो, आगे कदम उठाया जाए, चाहे सिंधु जल संधि हो उसको लेकर कदम आगे बढ़ाया जाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उस पर भी विचार किया जाए कि क्या पाकिस्तान को आगे जारी रखा जाए या इस पर कदमों को पीछे लाया जाए। ये तमाम चीजें हैं जिस पर आशीष जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, इस पर ठोस कदम उठाना होगा, और चाहे फिर बात कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को सुरक्षा को लेकर हो। निश्चित तौर पर आशीष जी ने जो बातें उठाई हैं बिल्कुल सही बातें हैं, ये सरकार को करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मेजर आशीष चतुर्वेदी से एक जानना चाहूंगा कि जब उरी की घटना होती है और उसी के 24 घंटे के बाद ये कहा जाता है सरकार की ओर से कि 10 लोगों को, आतंकियों को वहां मार दिया गया, और उसके बाद अभी ये कहा गया 30 लोगों को कल की घटना में मार दिया गया,
जबकि सेना के कुछ नियम होते हैं, ये आशीष चतुर्वेदी बेहतर तरीके से बताएंगे उतना, क्योंकि मैं सेना का एक्सपर्ट हूँ, नहीं जानता हूँ कि जब कोई इस तरीके से घटनाएं घटती हैं तो जो डेड बॉडीज होती हैं उसको उस सरकार को सौंपी जाती है, और वहां की सरकार जब 10 सैनिक मार के जो मारने की बात कही गई थी उरी की घटना के 24 घंटे के बाद, तो भी उन्होंने पाकिस्तान ने नकार दिया था। अब वहां कहां जा रहे हैं? ठीक है देवेंद्र जी, वहां मत जाइए। मेरा सीधा सा सवाल था कि अब से भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, ये एक कदम उठाया गया है, देश इसकी प्रशंसा कर रहा है और आगे भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान को सबक मिल सके और वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना होने दे। रोमाना जी माफ कीजिए, वक्त हो रहा है इसलिए आपके पास नहीं आ पाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोमाना सिद्दीकी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका, आशीष चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।